बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए ये खबर वास्तविकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। इस वैज्ञानिक रिपोर्ट को जानकर आप बाबा केदारनाथ की असीम शक्ति का एहसास कर पाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन वो सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों ने 13वीं से 17वीं शताब्दी तक की ये बातें बताई और उनके मुताबिक इस दौरान एक छोटा हिमयुग यानी लिटिल आइस एज आया था। इस हिमयुग में हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के अंदर दब गया था। आइए इस बारे में आपको पूरी कहानी बताते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस बात में कोई भी हैरानी नहीं कि केदारनाथ मंदिर 2013 में आई आपदा के दौरान सुरक्षित रहा। उन्होंने तो ऐसी बात बताई जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। देश की सबसे बड़ी वेबसाइट में शुमार india.com में साल 2017 के दौरान इस बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल विभाग के वैज्ञानिक भी इस बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। उनका कहना है कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दबा रहा, इसके बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन ये बर्फ जब हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में आज भी मौजूद हैं। इन निशानों की स्टडी वैज्ञानिकों ने की और इसके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच 400 साल का एक छोटा हिमयुग आया। इसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया। केदारनाथ मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ के अंदर ही दबा था। रिसर्च के मुताबिक मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इनके निशान हैं। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचने वाली बात यह है कि मंदिर ने बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर दीवारों के पत्थरों पर रगड़ दिखती है तो अंदर की ओर पत्थर समतल हैं, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। कहा जाता है कि विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनाया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था। हालांकि गढ़वाल मंडल विकास निगम के अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था, यानी छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था उससे पहले ये मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदार धाम की लाइकोनोमेट्री डेटिंग भी की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे स्थान में मंदिर बनाने वालों की एक कला थी। उस दौरान ऐसा सुरक्षित मंदिर बनाया गया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक भी इस शक्ति को प्रणाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य समीक्षा। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो।